चलो एक अच्छा सा सिस्टम है, इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। फाइंड एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ये हमें ब्लॉक्स दिए हुए हैं तो इस ब्लॉक्स का हमें एक्सलेशन निकालना है। तो अगर हम इस ब्लॉक का एक्सलेशन निकालना, मास m1 है m2 है, इसको मैं m1 मान लेता हूँ और इसको मैं m2 मान लेता हूँ, m1 इज ग्रेटर देन m2। स्ट्रिंग पुली मासलेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, वेज रेस्ट में है, तो ये एक्सलेट हो रहा है, ये सिस्टम इधर जा रहा है और ये सिस्टम इधर जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, फर्स्ट मेथड ये था, मैं फर्स्ट मेथड ये बताया था कि मेक द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट द इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर अननोन। ठीक है, पहला क्या है, फ्री बॉडी एफ बी डी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, दूसरा इक्वेशंस लिखते हैं। अगर आपने इतनी चीज कर लिए, इक्वेशंस लिख दिए, तो अननोन को सॉल्व कर लो, अननोन को सॉल्व कर लो। ठीक है, ये तीन स्टेप आपको करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो पहला तरीका ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, चलिए तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है, तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा अपना M1G। ठीक है, और इस पे टेंशन T ऊपर लग रहा होगा, क्लियर है। और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और अच्छे से अगर इसको देखोगे तो ये जो ब्लॉक है, हाँ ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉक, ये टेंशन इस पे ऊपर खींच रहा है, तो mg इसका, mg इसको नीचे लग रहा होगा, क्लियर है। और इस लाइन में ये हम सबको पता है कि नॉर्मल जो वेज लगाएगा ब्लॉक पे ऊपर लगेगा। ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है। ठीक है, तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, टेंशन कैपेसिटी जो होगा एम जी साइन थीटा, और एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी कॉस थीटा। तो इसका इक्वेशन क्या बना, वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, ठीक है, वर्टिकल में तो फोर्सेज हुए। तो पहले वाला, ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक था, इसका अगर इक्वेशन लिखोगे तो इसका इक्वेशन ये नीचे आ रहा है, तो एम जी एम वन जी माइनस टेंशन टी इज इक्वल टू एम वन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरे ए इधर जा रहा, ऊपर जा रहा, तो टेंशन ज्यादा होगा भाई, तभी तो ऊपर जा रहा होगा, और ये एम जी साइन थीटा कम होगा टेंशन टी से, तो इसका इक्वेशन बना कि टी माइनस एम टू जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम टू ए, एक्सलेशन विल बी सेम इन दिस केस दैट इज एम टू जी। तो यहां से ये एम टू जी रहेगा, ए एम टू जी और एम टू जी, तो ये एम टू जी, ये दो इक्वेशन बने। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूंगा तो मुझे एक्सलेशन और टेंशन पता चल जाएगा। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो है, सबसे पहला है एम वन जी, ठीक है, एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा जो है वो t माइनस एम टू जी साइन थीटा, और यह आ जाएगा एम टू ए, एक्सलेशन हम मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो टेंशन हो जाएगा खत्म, तो एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी एम वन जी डिवाइडेड बाई एम वन जी माइनस एम टू जी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। दिस इज द फाइनल एक्सलेशन, वी कैन राइट m1 माइनस एम टू जी एम जी साइन थीटा, और g हमने कॉमन ले लिया है ऐसे, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये साइन थीटा रहेगा। तो ये एक्सलेशन आ गया हम लोगों का। अब इस एक्सलेशन को उठा के किसी में रख दो, टेंशन t पता चल जाएगा। तो इस एक्सलेशन को अगर मैं फर्स्ट में रख देता हूँ तो यहाँ से मुझे टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब टेंशन t इज इक्वल टू एम वन जी माइनस एम वन ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम जी माइनस, इसमें एम वन ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा एम वन स्क्वायर जी, एम वन स्क्वायर जी माइनस एम वन एम टू जी साइन थीटा, एम वन से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, बराबर है। तो अगर इस इक्वेशन को अगर अच्छे से देखो तो थोड़ा और इसको सॉल्व करो तो टेंशन टी मिलेगा, तो यह जाएगा एम वन स्क्वायर जी, एम वन स्क्वायर जी प्लस एम वन एम टू जी माइनस एम वन स्क्वायर जी
और प्लस m1 m2 g साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई मास m1 प्लस m2। तो ये वाली टर्म इससे खत्म हो जाएगी। अगर ये इससे खत्म हो गया तो फाइनली हमारे पास जो बच गया वो बच गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा m1 m2 g डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास m1 प्लस m2। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये तो आसान ये तरीका रहा कि इसे क्या करते हैं, देखो हम फ्री इसमें क्या किया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमें जो आया उसको अननोन के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये इसी चीज़ को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो और दूसरे मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक से कर सकता हूँ, जो ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दूसरे वीडियो में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पे अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक को अगर आप देखो तो बेसिकली इसको इस पे एम वन जी नीचे लग रहा है और इधर लग रहा है फोर्स एम टू जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये पीछे खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, तो ये बैकवर्ड फोर्स हो गया, तो ये बैकवर्ड फोर्स हो जाता है बैकवर्ड फोर्स। और ये एम वन जी है और ये एम वन जी है, तो एम वन जी ये वाली जो चीज है वो फॉरवर्ड फोर्स हो जाएगा, इसको आगे खींच रहा है। और ये तो इसको अगर मैं एक्सलेशन निकालना चाहूँ तो मेरा एक्सलेशन एक लाइन में आ जाएगा। और यहाँ से इस इक्वेशन को देखो, आप लोग इस इक्वेशन को देखो तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है बोलो, फॉरवर्ड फोर्स इसको जो नीचे खींच रहा है, फॉरवर्ड फोर्स एम वन जी। तो फॉरवर्ड फोर्स एम वन जी माइनस साइन फार्मूले से, ठीक है, और बैकवर्ड फोर्स दैट इज एम टू जी साइन थीटा। और अगर मैं इनमें समेशन ऑफ मास एम वन प्लस एम टू, तो अगर एक्सलेशन ए की वैल्यू में लिखूं तो एम वन माइनस एम टू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो अगर मैं यहाँ से जी की वैल्यू कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन मिल गया। और इस इक्वेशन को मैं एक्सलेशन इक्वेशन बोलता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन। टेंशन निकालना बहुत आसान है, टेंशन ये फॉरवर्ड फोर्स, ये वाला फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई बैकवर्ड मास। तो यहीं पर अगर हम लोग टेंशन भी निकाल लें तो बहुत मजे से इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेंशन टी अप्लाई कर दो, यहाँ से फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड कौन खींच रहा बोलो, एम वन जी मल्टीप्लाइड बाई बैकवर्ड मास एम टू, प्लस साइन फार्मूले से बैकवर्ड फोर्स कौन सा है एम टू जी साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर दूं फॉरवर्ड मास एम वन से और डिवाइड कर दूं एम वन प्लस एम टू से। तो फाइनली अगर मैं यहां से कॉमन ले लूंगा एम वन एम टू जी, तो वन प्लस साइन थीटा और यह आ जाएगा एम वन एम टू जी और डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो इस ट्रिक का यूज करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, टेंशन टी और एक्सलेशन निकाल सकते हो बहुत सारे सिंपल केस में, ठीक है।